वेलकम टू डी डी अकेडमी। तो अज अपने शुरू करना है अपना जो एक नवा टॉपिक है उस उत्ते डिस्कशन करांगे। तो बेसिकली अज आप करना है अपना प्राइम मिनिस्टर बारे। इस तो पहले कि आप प्रेजिडेंट बारे गल कर चुके हैं, अपने ये जाने सी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव दे जो है पार्ट नंबर 5 दे विच यूनियन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट दी जो गल की गई है जिदे विच आप मेनली देखे सी भी केड़े जो कि ने बॉडीज़ यानी कि जो मेन बॉडीज़ ने आंदिया ने लाइक प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की जो कुछ परसनैलिटीज़ सी जिन्हों बारे अपने देखा सी कि ये लाई कर दिया ने। तो पार्ट 5 आर्टिकल जो सी अपना पार्ट 5 दे जो आर्टिकल 52 तो 78 है वो की हुंदा है यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ दे विचों उन्हां बारे गल करदा है। तो अज आपां गल करनी है प्राइम मिनिस्टर दे बारे, प्रेजिडेंट दे बारे। इस तो पहला आपां सारी गलबात कर चुके हैं कि जो हुंदा है प्रेजिडेंट हुंदा है, प्रेजिडेंट किस तरीके दे नाल उहनूं की हुंदा है एक कह लो इनडायरैक्ट वे दे नाल अपने ही रिप्रजेंटेटिव द्वारा जो अपने आपां रिप्रजेंटेटिव चुनदे हाँ आप डायरैक्ट मैथड दे नाल, उस तो बाद वो की करदे ने अगे जो कि करते हैं प्रेजिडेंट नू की कहिंदे ने उन्होंने इलैक्शन के थ्रू की लैके आते हैं तो फोर्स के लैके आते हैं। तो यह गल अपनी हो चुकी है इस तो पहले प्रेजिडेंट बारे कि उन्होंने की टैन्यूर होंगे, कि उन्होंने फंक्शनस ने, कि उन्होंने पावरस प्रोवाइड ने, ये आप सारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अज अपने प्राइम मिनिस्टर बारे गल करनी है कि प्राइम मिनिस्टर किस तरीके के नाल अपॉइंट किया जाता है या प्राइम मिनिस्टर दी की फंक्शनस ने, कि इन्हों पावरस प्रोवाइड ने, इन्हों की ओथ एंड अफॉर्मेशन की, टैन्यूर है, ये सारा कुछ की अज अपने डिस्कस करना है। इस दे बाद जो गल होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नरस तो उन्होंने बारे भी की करेंगे आप डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अज आप स्टार्ट कर रहे सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर बारे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नु की कहा जाता है जो अपनी गवर्नमेंट है द हैड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। आप कल भी इस बारे गल की कि जो प्रेजिडेंट है उसनों की कहा जाता है हैड ऑफ स्टेट्स, हैड ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है, बट जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने की कहा जाता है हैड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये बारे की है आर्टिकल जो आर्टिकल नंबर 75 है ये बारे की है प्राइम मिनिस्टर बारे वो की गई है गल की गई है जिदे दसया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर की किस तरीके दे नाल की किया जाता अपॉइंट किया जाता है। तो पहला आप अगर ये अपॉइंटमेंट की गल करिए तो आर्टिकल 75 दे विच कॉन्स्टिट्यूशन दे विच रिटन है कि जो इनू अपॉइंट किया जाएगा अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर नू की हुंदा है, प्राइम मिनिस्टर तो लोगों द्वारा चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो है लोगों द्वारा चुने जाता है, ये की हुंदा है रिप्रेजेंटेटिव हुंदा है जो कि लोगों द्वारा चुने जाता पीपल ऑफ जो कहते पीपल जो हुंदे इंडियन पीपल द्वारा ही क्या इनू चुने जाता है। बट इस बाद ये लिखे कि अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट, तो ये किवें तो ये होंगे कि जो कि अपना कोई परसन है जिन्हों की आप वोट्स देने जो वोट दे के जिस परसन में की होंगे मेजोरिटी मिलती है वोट्स ज़्यादा मिलती ने तो वो जी मेजोरिटी वाली जो पार्टी होंगी है वह होंगे एक हैड हैड नू अनाउंस करना हुंदा है। तो वो हैड ही बनता है प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो उस तरीके दे नाल हुण लाइक कोई दो पार्टीज़ ने जो दो तो ज़्यादा पार्टीज़ ने उन्हां विचों जिस पार्टी नू मेजोरिटी मिले यानी कि नंबर ऑफ वोट्स उन्हों ज़्यादा मिलते हैं लोगों द्वारा वध उन्हों वोट्स दित्तियां जांदियां ने तो उस परसन नू की किया जाता है अगे वो परसन लोग सभा की भी हो सकते राज्य सभा की भी हो सकता है। तो उस परसनैलिटी नू की किया जाता है उस पार्टी नू की किया जाता है उस पार्टी का एक हैड चुनिया जाता है। तो वो हैड ही कौन हुंदा वो हुंदा प्राइम मिनिस्टर। तो वो किहदे द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसलिए गल की जाती कि अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट कि जो हैड चुनिया जाता है यानी कि जो अगे का प्रोसीजर हुंदा है कि उन्हें ओथ एंड अफर्मेशन वगैरह जो भी हुंदा उन्हें ओथ दवाई जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ ने कि द्वारा की जाए प्रेजिडेंट द्वारा की जाए ने या एक केस तो यह हो गया। इसके बाद की होंगे सैकेंड केस की होंगे या सडनली मान लो सडनली की हो जाता किसी मान लो किसी प्रेजिड प्राइम मिनिस्टर की की हो जाए डैथ हो जाए तो उस
उस कंडीशन दे विच उस केस दे विच भी की हुंदा तां प्रेजिडेंट दे हाथ ये पावर हुंदी है कॉन्स्टिट्यूशन दे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि एक प्रेजिडेंट नूं की कीते जांदी है ये पावर दित्ती जांदी है कि उस कंडीशन दे विच की कर सकदा है वह जो है प्राइम मिनिस्टर नूं चुन सकदा है। तो ये केस होया सी जदों कि इंदिरा गांधी जी की डैथ हुई सी तो उस वक्त जो प्रेजिडेंट से जैल सिंह तो उन्होंने की किया जो राजीव गांधी से उन्होंने की किया अपॉइंट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर तो ये केस उदों सामने आया सी ता करके कहा जाता है कि अपॉइंटड बाय प्रेजिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्हों एक तरीके का इन्हों हाथ पावर है कि अपॉइंट कर सकते हैं बट ये नहीं है कि किसी नू भी यह अपॉइंट कर सकते हैं ये अपॉइंट किनू कर सकते हैं इनकेस अगर लोग सभा दे विच जिस पार्टी नू के मेजोरिटी है तो उहदे विचों की है उहदा जो हैड होएगा उहनू ये अपॉइंट कर सकते हैं तो इन्हां कंडीशनस दे विच की है प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर नू। इस दे बाद अगर गल करिए आपां जो प्रेजिडेंट है अपनी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये दो पार्ट्स ने नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सेकंड इज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो एक ही चीज़ है ये बारे गल करांगे हुण आपां एक तो है नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और दूसरी है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो कौन होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो जो जो है नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है दैट इज प्रेसिडेंट एंड रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दैट इज पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्रेजिडेंट नूं होर किस नाम नाल जाने जाता है जां इहनूं इस अहुदे नूं होर की कहा जाता है डी ज्योर एग्जीक्यूटिव इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नूं की कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। एदा भी की रीज़न है कि जो प्रेजिडेंट है वह कि एक नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि कह लो एक तरीके की नाम की ही अथॉरिटी है जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वह कौन है प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वह कि लोगों द्वारा चुने जाता है रिप्रजेंटेटिव लोग की करते डायरैक्टली अपने जो वोट्स के थ्रू की करते हैं प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं तो सारा कुछ की होंगे अगर आप गल करिए तो लोगों बारे ज उन्होंने प्रॉब्लम्स फिर कौन कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर की कर सकता उन्होंने जो प्रॉब्लम्स नूं वधिया तरीके टैकल कर सकता है। तो रियल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगी है वह प्राइम मिनिस्टर ही होंगी है बट जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कि होंगी है कह देंगे भी ज़्यादा पावर्स किनू प्रोवाइड ने प्रेजिडेंट होंगे ने बट इतने की होंगे ने ज़्यादा चल दिया ने एक तरीके जिमें कह लो कम सारे की होंगे ने प्रेजिडेंट के नाम पर होंगे बट पिछे बैक ऑफ फुट जो होंगे बैक ऑफ द कर्टन की सारे काम कौन सामभ रहा होंगे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किए जाते हैं यानी कि हुण कोई भी अगर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने या प्राइम मिनिस्टर ने वो की करते हैं कोई रूल वगैरह लागू करना है या कुछ जो कोई यह जी एक्टिविटी जो करनी है देश दे विच जो कि प्रेजिडेंट के नाम पर होंगी है बट की होंगी है वो की करते हैं तो प्रेजिडेंट नूं की कर देंगे ने यानी कि रूल कोई रेगुलेशनस जो किते बनाए जा रहे हैं जो कुछ भी एक्टिविटी जी की जा रही है देश दे विच वो हो कि द्वारा रही है प्राइम मिनिस्टर द्वारा बट कि नाम पर हो रही है वह नाम उत्ते हो रही है प्रेजिडेंट दे तो की करते हैं प्राइम मिनिस्टर होंगे ने जो काउंसिल मिनिस्टर द्वारा जो एक्टिविटीज़ होंगे ने तो प्राइम मिनिस्टर की करते हैं उन्होंने एक बार इनफॉर्म कर देंगे ने कि तुहाडे नाम द्वारा या तुहाडा नाम लैके कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ ने देश दे विच हो रही ने तो एक तरीके से परमिशन ला लो तो एक तरीके दे नाल उन्होंने दस दिता जाता है कि तुहाडे नाम पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ देश दे विच हो रही ने ताकि होंगे इसलिए कहते रियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होंगी है वह प्राइम मिनिस्टर है जिन्हों की कहें डी फैक्टो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि प्रेजिडेंट जिन्हों डी ज्योर एग्जीक्यूटिव के नाम नाल जाने जाता है। तो ये दो चीज़ा ने इसके बाद आप गल करांगे
कि किस तरीके दे नाल इहनूं ओथ दवाई जाती है जां इहनां दी टर्म किस टर्म टेन्यूर किन्ना हुंदा है जां इहनां दा जो की हुंदा सैलरी पैकेज किन्ना हुंदा है इह सारी गल करांगे। तां जो प्राइम मिनिस्टर ने आपां इहदों पहलां वी गल कर चुके हां जो प्राइम मिनिस्टर ने उह किने हैड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज़ द हैड ऑफ गवर्नमेंट एंड हैड ऑफ द स्टेट्स कौन होंगे ने प्रेजिडेंट तो आर्टिकल 75 के गल की गई है। तो इसके बाद है जो कि अपॉइंट किए द्वारा किए जाते हैं प्रेजिडेंट के द्वारा। इसके बाद गल करते हैं ओथ टर्म एंड सैलरी ऑफ पीएम। ओथ यानी कि जदों भी कोई किसी पद के उत्ते आता यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ जिवें नरेंद्र मोदी जी ने वह की सी जदों अपनी उस पोजिशन पर आए उन्होंने पी एम की पोस्ट के उत्ते आए तो उन्होंने की दवाई जाती है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग की दवाई जाती है ओथ यानी कि सहु चुकवाई जाती है कि उसदे विच की होंगे कि वह की करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक जो पी एम की जो की काम होंगे ने उन्हों द्वारा कि वह काम करेंगे। पहली गल कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो कह ले फेथ नू की ध्यान में रखेंगे जो सवर्निटी है जो जो कह लो इंटीग्रिटी है ब्रदरहुड है इस तरीके दीज़ों की करेंगे देश के कायम रखेंगे। तो इस तरीके की जो सहु दवाई जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही की करेंगे वह काम करेंगे। इसके बाद की होंगे ये कि द्वारा दवाई जाती है ये दवाई जाती है प्रेजिडेंट द्वारा जो प्रेजिडेंट द्वारा ही जो कि पी एम की दवाई जाती है सहु चुकवाई जाती है। इसके बाद अगर आप टेन्यूर की गल करिए जो प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्यूर होंगे ये कोई फिक्स नहीं होंगे यानी कि आप पहला लोग सभा के जो अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव की गल कर रहे तो उस लैजिस्लेटिव की गल कर रहे तो आप देखा कि जो लोग सभा है वह की होंगे कदों भी डिजोल्व हो सकती है। तो जो यदा टर्म होगा जो टेन्यूर होगा वह की होंगे नॉट फिक्सड नॉट फिक्सड एक ही कर सकता है ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट हाउ एवर दिस डज नॉट मीन दैट प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम यानी कि यह कि द्वारा कर सकता है यदा टेन्यूर फिक्स नहीं होंगे तो प्रेजिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग की कर सकता है वो ऑफिस ज्वाइन कर सकता है बट की है यदा मतलब ये नहीं है कि प्रेजिडेंट के जो मन चाहे उन्होंने की कर दे डिसमिस कर दे तो यह चीज़ की है प्रेजिडेंट के हाथ में नहीं है ओदे लिए भी कह लो एक तरीके दे ना काफ़ी रूल्स हुंदे ने रेगुलेशंस नू फॉलो करना हुंदे बट प्रेजिडेंट ये नहीं है कि उन्होंने की कर सकता डिसमिस कर दे जो कोई परसन की आ जाता है मेजोरिटी के आ जाता यानी कि उससे एक तरीके की सरकार बन जाती है तो एक गिवन टाइम पीरियड के कह लो गिवन टाइम पीरियड के होंगे प्रेजिडेंट सामने अपनी की होंगी मेजोरिटी दिखानी पैंती है तो उन्होंने की होंगे अपनी मेजोरिटी सपोर्ट नू शो करता प्रेजिडेंट के अगे लोग सभा दे विच ताकि की कर सकता प्रेजिडेंट ताकि जो हुंदा प्रेजिडेंट की कर सकता उन्हें अपॉइंट कर सके जो उन्हें डिसमिस ना कर सके। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी किने लोक सभा दे विच परफॉर्म होंदिया ने। इसके बाद है इसकी जो सैलरी होंदी है प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी पैकेज होंदी है वह होंदी है पार्लीमेंट के अकॉर्डिंग होंदी है तो टर्म बाय टर्म या कह लो भी एक ही होंदी है चेंजेस होंदे रहिंदे ने तो ये जो सैलरी होंदी है वह किहदे होंदे पार्लीमेंट द्वारा होंदी है टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ है ये आप जाने ओथ टर्म एंड सैलरी ऑफ द पी एम की सैलरी होएगी की टर्म होंगे यदा तो की यानी कि ओथ किस तरीके दवाई जाती है टर्म फिक्स नहीं होंगे सैलरी की होंगी है पार्लीमेंट के टर्म द्वारा होंगी है टाइम टू टाइम। इसके बाद गल करा आप जो प्राइम मिनिस्टर है इसके की फंक्शनस ने इसकी पावरस के बारे गल करा पावरस एंड फंक्शनस ऑफ powers and functions of PM जो प्राइम मिनिस्टर ने उहदे पावर्स की ने ते किस तरीके दे नाल उह वर्क करदा है इस बारे गल करांगे। तो सारे नाल पहला आपां अगर इहदी गल करिए इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो इहदी पावरस की गल कर रहे हैं सारे नाल पहला इहदी पावर बारे गल करदे हां आपां कि इन रिलेशन मेनली आप कि डिस्कस करा ये गल कर लें इन रिलेशन टू काउंसिल
ऑफ मिनिस्टर यानी कि इसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उन्होंने रिलेशन के पिछे की पावर्स होंगे या की फंक्शंस होंगे ने, इसके बाद इन रिलेशन ऑफ प्रेजिडेंट इसके बाद इन रिलेशन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट दे विद रिलेशन दे विच भी ये की पावर्स एंड फंक्शंस होंगे ने एंड कुछ अदर देख लांगे दिया कुछ और भी पावर्स एंड जो होंगे ने फंक्शंस होंगे ने उन्हें बारे भी गल करांगे अदर फंक्शंस एंड पावर्स तो बेसिकली इन बारे आप गल करांगे। तो सब तो पहला अगर गल करिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जो प्राइम मिनिस्टर है इनू हैड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है एंड हैड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। एक एक करके गल करांगे सारे नाल पहले है रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो इन्हों रिलेशन के गल करिए प्राइम मिनिस्टर इंजॉय द फॉलोइंग पावर्स एज हैड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि वह की करता उन्हें वो पावर्स भी मिल जाती ने हैड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो इस भी जो है कि यदि एक तरीके की पावर है यदा फंक्शन इस है He can ask a minister to resign or advise the president to dismiss him in case of difference in opinion. यानि कि prime minister दे कोल की आ जाती है एक power आ जाती है कि वह की कर सकता जेडे council of ministers ने वह किसी भी minister नू not की एवं ही कि वह किसी minister नू कह सकता है कि वह की कर सकते resign दे देवे जा उनके dismiss कर सकता है तो एक ही resign और नॉट डिसमिस कर सकता उन्हों की कह सकता है भी रिजाइन कर भी और रिजाइन दे देवे उन्हों एडवाइस कर सकता है तो ये पावर भी किदे हाथ विच है प्राइम मिनिस्टर दे विच ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम यानी कि प्रेजिडेंट नू भी एडवाइस कर सकता है तो उन्हों भी की कह सकता है उन्हों रिजाइन दे ली। इसके बाद है ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंस देन डिसीजंस वो की कर सकता है प्रिसाइड कर सकता है मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया जिन्निया भी मीटिंग्स होनी है किधर द्वारा प्रिसाइड्स होनी है पीएम द्वारा तो ये चीज़ है। इसके बाद वो की कर सकता है गाइड कर सकता है डायरेक्ट कर सकता है कंट्रोल कर सकता है एंड कोऑर्डिनेट कर सकता है सारिया एक्टिविटीज़ नू मिनिस्टर दिया जिन्निया भी एक्टिविटीज़ ने उन्हें की कर सकता है कंट्रोल डायरेक्ट गाइड एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स द्वारा जिन्हें भी एक्टिविटीज किए जाते हैं उन्होंने कंट्रोल कर सकता उन्होंने डायरेक्ट कर सकता उन्होंने गाइड कर सकता तो कोऑर्डिनेट कर सकता है तो इस तरीके से कहा है। इसके बाद ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस वैन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन तो एक ही चीज़ा ने यह नेगियाँ जो हो पावर्स ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नू लैके इसके बाद गल कर दें कि अगर प्राइम मिनिस्टर की हो जाए डैथ हो जाए तो उस कंडीशन दे विच की होंगे वैन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन जब प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा रिजाइन कर दे जा और दी डैथ हो जाए तो ये आप पहला भी गल कर चुके हैं When Prime Minister resign or dies, the Council of Minister and
अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि इन केस अगर कि क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किदे द्वारा होंगी है, ये हैड होंगे प्राइम मिनिस्टर, जो हैड ही नहीं रहेगा है ना, तो की होएगा उस द्वारा ही फॉर्म भी करवाई जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा ही फॉर्म होंगी है। ये बारे भी आप अगे गल करांगे कि होंगी कि अगर इन केस की प्राइम मिनिस्टर की की हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की हो जाता है रिजाइन कर जाता है जा की कर जाता है वो डैथ हो जाती है, तो उस केस के जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यदा भी की होता वर्क खत्म हो जाता है, ये की कर सकती है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है जी, क्यों रीज़न? क्योंकि हैड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो जब ही नहीं रहेगा तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो कि होगी उत्थी अबॉलिश हो जाएगी एक तरीके की। इसके बाद है हिज रेजिग्नेशन और द डैथ ऑटोमेटिकली डिजोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो डैथ हो जाती है जब अगर वो रिजाइन कर देता तो ऑटोमैटिकली की होएगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो की हो जानी है डिजोल्व। तो ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ डैथ In case of death or resign of PM, then Council of Minister automatically की हो जाएगी dissolve। ठीक है जी, क्योंकि reason ये की है जो जब head of council of minister is PM। तो जो council of minister हुंदा है वो कौन हुंदा है? PM हुंदा है। तो जब वो ही नहीं रहेगा तो council of minister भी की हो जाएगी उत्थे ही dissolve हो जाएगी। तो ये है इधर relation council of minister दे विच। इधर बार गल कर रहे हैं आपा in relation to president। हुन गल करांगे कि president दे नाल इसदे relations इन रिलेशन टू अ प्रेजिडेंट। तो प्रेजिडेंट दे नाल किस तरीके दे जो कि ने की रिलेशन्स ने ये वर्क्स एंड जो कि ने एक्टिविटीज़ दे विच। तो ये गल कर दे आर्टिकल 78 दे विच की गल की गई है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ बनदियाँ ने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 78 रिगार्डिंग प्रेजिडेंट। तो ये की करेगा प्राइम मिनिस्टर की करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाए जो भी की ने लाइक कोई भी डिसीजनस ने वो सारे डिसीजनस की करता है ऑल डिसीजनस विच आर टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो की करता है अगे एक तरीके का वो सारे जो डिसीजनस होंगे उन्होंने बारे इनफॉर्म किनू करेगा? प्रेजिडेंट नू करेगा। तो ये काम कि प्राइम मिनिस्टर का काम है। यानी कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेजिडेंट फॉर ऑल डिसीजनस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लैजिस्लेटर। ये बारे आप जो आपने गल की प्रेजिडेंट की गल कर रहे थे कि प्रेजिडेंट नू की हुंदा राइट हुंदा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ने तो उन्होंने बारे सारी इनफॉर्मेशन उन्हों प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड करता है, राइट। तो इतने भी एक गल आ चुकी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्होंने विचाले जोड़ा काम कर रहा है कि इन्हों द्वारा जो भी अफेयर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ने उन्होंने बारे सारी इनफॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी है जी प्रेजिडेंट नू, वो किदे द्वारा होंगी है? वो PM द्वारा होंगी है। तो PM एक तरीके का कह दो इन्हों जो कि करते एक तरीके दे नाल इनडायरैक्ट वे दे नाल कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है जी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा की होंगे जिन्हें भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स वगैरह जो होंगे तो वो सारी इनफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होंगी है प्रेजिडेंट नू थ्रू होंगी है प्राइम मिनिस्टर। तो ये काम है। इसके बाद है द फर्निस सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लैजिस्लेटिव एज कॉल द प्रेजिडेंट मेयर। ये भी उही गल ही है कि जो जिन्हें भी अफेयर्स होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कस रिलेटेड सारे कॉल कौन करेगा? उन्हों प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो किनू करेगा? प्रेजिडेंट नू। तो ये चीज़ है। इसके बाद है ही एडवाइज द प्रेजिडेंट। एक तरीके की की करेगा है ये एडवाइज करता प्रेजिडेंट नू
एडवाइस करता है प्रेजीडेंट विद रिस्पैक्ट टू अपॉइंटमेंट तो कुछ अपॉइंटमेंट के विच की है प्रेजीडेंट नू एडवाइस भी कर सकता है कि ऑफिस के लिए कड़े ऑफिसेज जो होंगे जो सीएजी हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके बाद है कोई यूपीएससी का चेयरमैन है तो इस तरीके दे ना इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन दे जो मेंबर्स होंगे उन्हें भी अगर अपॉइंटमेंट दे ले की है ये एडवाइस करता प्रेसिडेंट को तो एक तरीके दे ना प्रेजीडेंट नाल भी यदा काफ़ी जो इस तरीके दे जो फंक्शंस ने परफॉर्म होंगे ने एडवाइस करता है ठीक है जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ले सी ए जी ले जो यूपीएससी का जो कि है मैंबर चुनना चेयरपर्सन चुनना है फाइनेंस कमीशन का इलेक्शन कमीशन का तो इस तरीके दी पोस्टस ने उन्होंने उस केस के प्रेजीडेंट नू की करता है एडवाइस करता है तो ये जो हो गया इस दे जो कि काम ने प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं इन रिलेशन टू द प्रेजीडेंट इसके बाद आप गल करांगे इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट दे विच भी ये कुछ फंक्शंस एंड पावर्स देख लें इन रिलेशन टू पार्लीमेंट के रिलेशंस दे विच की इसके जो फंक्शंस ने जो की ये काम ने एक ही कर सकता है एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट नू ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू जो समॉनिंग एंड सेशंस ऑफ द पार्लीमेंट यानी कि जो सेशंस ने कदों शुरू होने हैं जो कदों एंड जो एंड होने हैं तो यानी कि यदि स्टार्टिंग एंड एंडिंग ए प्रेसिडेंट नू की कर सकता एडवाइस कर सकता है कि कदों सेशंस हेल्ड होने चाहिए ने तो इस तरीके दे जो ने दे पार्लियामेंट दे विच काम होंगे ने इसके बाद ही अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि ये द मेन जो है काम है कि जिन्हें भी पॉलिसीज ने गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म किए जाते हैं तो हाउसेस दे विच उन्हें रिप्रेजेंट किए द्वारा किए जाते हैं हेड किए द्वारा किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा किए जाते हैं तो ये जो है काम है ही अनाउंस द पॉलिसीज पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हेड सॉरी फ्लोर ऑफ हाउस यानी कि जिन्हें भी पॉलिसीज होनगियां वो की करेगा किदे द्वारा अनाउंस कितने जानगियां प्राइम मिनिस्टर द्वारा कितने जानगियां पार्लियामेंट दे विच इससे बाद की करेगा जो भी अगर मीटिंग जो सेशंस होंगे ने उन्हां दी स्टार्टिंग एंडिंग तो ये सारी किदे द्वारा जो होंगी है प्रेजीडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है एडवाइस की जाती है प्रेजीडेंट नू जिस तरीके ने आप देखा सी कि जॉइंट सीटिंग वगैरह ज कोई इस तरीके दे जो होंगे ने सैशनस वगैरह हेल्ड होंगे ने कि द्वारा प्रेजीडेंट द्वारा करवाए जाते हैं तो कि होंगे प्राइम मिनिस्टर उत्थे भी उसकी इनवॉल्वमेंट्स होंगी है यानी कि उत्थे भी की करता वो हेल्प करता पार्लीमेंट के कामों के भी तो एक नॉट हेल्प कह लो एक तरीके की उसकी पावर है कि जो गल है मोस्ट ऑफ की होंगे जो पावर्स कि नाम के उत्ते पावर्स कि ज़्यादा प्रोवाइड ने प्रेजीडेंट नू प्रोवाइड है बट बैक ऑफ द कह लो फ्लो जो बैक ऑफ द कर्टिंग कह लो जो वर्क मोस्ट ऑफ कि चल रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चल रहे होंगे नाम होंगे प्रेजीडेंट का बट जो वर्कस होंगे ने कि द्वारा हो रहे होंगे ने प्रेजीडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर द्वारा होंगे ने तो प्राइम मिनिस्टर की कर सकता है जो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जड़े जड़े मैंबरस भी इन्हें चुने होंगे ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जड़े उन्होंने चोन भी एक तरीके की प्रेजीडेंट द्वारा की जाती है बट उत्थे भी की करते हैं उन्होंने प्रेजीडेंट नू कहिंदा है कि इन्हां इन्हां परसनस नू की किया जाए चुनिया जाए रीज़न क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हैड हुंदा है प्राइम मिनिस्टर हुंदा है तो एक तरीके दे नाल उहदे द्वारा ही की हुंदे ने अपॉइंट भी करवाए जाते हैं कि कौन कौन की हुंदा है किहदे किहनू जो की है वह अपनी उहदे विच लैके आंदा है अपनी गवर्नमेंट दे विच लैके आंदा है तो ये तरीके जो तरीके के काम ने वो किहदे द्वारा किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा किए जाते हैं तो ये सी कुछ ये अदरस पावरस एंड फंक्शनस भी हुंदे ने यदि अदर पावर्स एंड फंक्शंस देख लें ही इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अदर पावर्स एंड फंक्शंस
चेयरपर्सन ऑफ ज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होएगा है। इसके बाद की है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये भी होएगा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, तो इन्होंने की होएगा चेयरमैन कौन होएगा, प्राइम मिनिस्टर, जो जो भी मैंने कमीशन्स बोलिया ने, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, तो उन्होंने चेयरपर्सन है। इसके बाद की है एक ही करता है, ही इज़ अ चीफ स्पोक्समैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, चीफ स्पोक्समैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट होएगा उसका चीफ स्पोक्समैन होएगा कौन, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ है एज अ लीडर ऑफ अ नेशन, ही इज़ अ की लीडर ऑफ नेशन, ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रिसीव मेमोरेंडम फ्रॉम द रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, ही इज़ अ लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ पावर, ही इज़ पॉलिटिकल हैड ऑफ द सर्विसेज। तो ये भी कुछ जो ने जो प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उदी पावर्स ने, ही इज़ अ लीडर ऑफ अ पार्टी इन पावर, ही इज लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ पावर, ही इज पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, पॉलिटिकल ऑब्वियसली पॉलिटिकल हेड ही होएगा वो, हेड ऑफ सर्विसेज। तो ये कुछ ये अदर फंक्शंस ने, तो इतने की सी है प्राइम मिनिस्टर बारे अज आप ने जाने। इसके बाद जो आप गल करांगे प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मैंबर मिनिस्टर्स, जिन्हों बारे आप जो हूँ गल भी कर रहे हैं करके हटे हैं कि इन्हों द्वारा जो कि ने प्राइम मिनिस्टर के उत्थे की फंक्शन होंगे ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, हूँ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे भी गल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बारे आप गल कर चुके हैं कि इन्हों का टेन्योर होएगा, की प्रोसीजर होंगे, किस तरीके अपॉइंट किए जाते हैं, तो की इन्हों जो फंक्शन होंगे ने जो मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपने गल करनी है जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने बारे गल करा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्हों बारे गल करांगे। तो सब तो पहला आप देखांगे कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये की होंगे ने, किस तरीके दे नाल अपॉइंट किए जाते हैं। सब तो पहला आप इन्हां दी अपॉइंटमेंट देखांगे किस तरीके दे नाल होंदी है, ये अपॉइंट किहदे द्वारा होंगे ने, अपॉइंटमेंट इन्हां दी अपॉइंटमेंट, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटड बाय प्रेजिडेंट, किदे द्वारा अपॉइंट होंगे ने, प्रेजिडेंट बाय प्रेजिडेंट, ये आप पहला भी गल कर चुके हैं, मैं ये बारे थोड़ा सा दस्से से कि जी अपॉइंटमेंट होंगी प्रेजिडेंट द्वारा होंगी, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएम, अपॉइंट करेगा प्रेजिडेंट बट कि एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर की। It means only those persons can be appointed who are recommended by Prime Minister. यानी कि सिर्फ वही persons ये की होंगे अपॉइंट किए जाएंगे जिन्हें recommend किया Prime Minister द्वारा recommend किए जाएंगे, वही persons की होंगे Council of Minister होंगे, ठीक है जी, वो member होंगे। इसके बाद है द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव बाय बी मेंबर और द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और शुड बिकम मेंबर्स विद इन 6 मंथ ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, फेलिंग विद दे आर रिमूव्ड,
यानी कि प्राइम मिनिस्टर ते जिहड़े अदर प्राइम मिनिस्टर्स ने वह की हो सकते पार्लीमेंट दे विच वह भी इसे मैंबर हो सकते हैं, बट की होंगे 6 मंथ के विच की होएगे वह दोबारा अपॉइंटड हो जाने चाहिए ने। हुण मान लो कोई होर मैंबर है किसी होर हाउस का, यानी कि वह की होंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਇਨ 6 ਮੰਥ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਓਥ ਸੈਲਰੀਜ ਟਰਮਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਥ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਓਥ ਆਫ ਦਾ ਓਥ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਓਥ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਓਥ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਓਥ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਸਮ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਓਥ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਓਥ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਬੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ 'ਤੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੋਮ ਆਫਿਸ ਬਾਏ ਪਾਸਿੰਗ ਨੋ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ। ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੋ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੀਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਕ ਐਂਡ ਸਵਿਮ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕ ਐਂਡ ਸਵਿਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਿਮ ਟੂਗੈਦਰ ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਨ ਅ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵਾਈਲ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੋ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ, ਬਟ
इंडिया दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ता ए मिनिस्टर्स नू कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ता ए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट यही है कि ये कलेक्टिवली की होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे, यही इन्हों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं है। इसके बाद देख लेने टाइप ऑफ मिनिस्टर्स की ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये विच केड़े केड़े जो मिनिस्टर्स होंगे ने मेनली की होंगे थ्री टाइप ऑफ जो होंगे ने मिनिस्टर्स होंगे ने थ्री टाइप ऑफ मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ने इन्हों तीन टाइप के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ने। सब तो पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, इसके बाद जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स डिप्टी मिनिस्टर, मेनली ये तीन जो ने मिनिस्टर्स ने। तो कैबिनेट मिनिस्टर की गल करिए, दे आर रियल पॉलिसी मेकर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने दे आर कह लो रियल पॉलिसी मेकर, वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिनिस्टर्स की ने रियल पॉलिसी मेकर्स ने। द कैबिनेट्स कंस्टेंट इज अ नेसेसरी फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स, यानी कि जिन्हें भी मैटर्स ने उन्होंने इन्हों द्वारा जो इन्हों की शामिल किया जाता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बॉडीज ने तीन टाइप ऑफ मिनिस्टर्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने कैबिनेट मिनिस्टर्स जोड़े कि रियल पॉलिसी मेकर है, यानी कि जिन्हें भी पॉलिसीज बनाई जा गवर्नमेंट द्वारा इन्हों द्वारा कितने ना कि जो होंगे फॉर्म होंदिया ने, तो ये चीज़ है। इसके बाद है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो दे कैन होल्ड एदर इंडिपेंडेंस चार्जिज और अटैच्ड टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। एक तरीके से ये कि होंगे इन्हों इंडिपेंडेंट चार्जिज प्रोवाइड होंगे ने, इंडिपेंडेंट इन्हों भी इन्हों कुछ इंडिपेंडेंट चार्जिज प्रोवाइड होंगे ने दे हेल्ड इन केस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। ठीक है जी, तो की होंगे ने कि ना कि अटैच्ड होंगे ने कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा, उन्होंने ही की होंगे ने सब अटैच होंगे ने, उन्होंने ही सब पार्ट कह सकते हैं आप। इसके बाद जो है डिप्टी मिनिस्टर्स, दे डू नॉट हैल्ड एनी सैपरेट चार्ज, इन्होंने कोई सैपरेट चार्ज नो प्रोवाइड होंगे, नो सैपरेट चार्ज इन्हों कोई सैपरेट चार्ज प्रोवाइड नहीं होंगे। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ अ मिनिस्टर्स कॉल्ड पार्लीमेंट सैक्रेटरीज, तो इन्हों एक तरीके दे जो होंगे पार्लीमेंट सैक्रेटरीज बारे कहा जाता है, जिन्हों बारे कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की होंगे कोई ज़्यादा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इन्हों बारे कोई गल नहीं की गई तो अपॉइंटड नहीं होंगे, तो ये की होंगे ने नॉट अपॉइंटड, तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हों बारे कोई गल नहीं हुई, बट ये होंगे इन्हों कोई सैपरेट चार्जस नहीं होंगे, बस इन्हों ही जो होंगे इन्हों का थोड़ा बहुत कम होंगे। इस कैटेगरी के जो मिनिस्टर होंगे ने कॉल्ड इन्हों की कहा जाता है पार्लीमेंट्री सैक्रेटरी, ये भी कहा जाता है। तो ये तीन तरीके के जो मिनिस्टर ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बारे आपने गल की। इसके बाद अगर आप गल करिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, सिर्फ ए पार्ट ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विच ए पार्ट्स ने, अपने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बारे गल कर ली है कि किमें अपॉइंट किया जाता है मिनिस्टर्स नू, किस तरीके दे नाल उन्हां नू ओथ दवाई जाती है, कि उन्हां दा सैलरी पैकेज हुंदा है, कि उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटीज़ हुंदियां ने, ते केड़ियां केड़ियां की हुंदियां ने मिनिस्टर्स दे टाइप्स बारे आपां गल कर चुके हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बारे। इसके बाद आपां गल कर दें जिस तरीके दे नाल अपना प्राइम मिनिस्टर है, तो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बारे भी गल कर लैंदे हां। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके स्पीकर का डिप्टी डिप्टी स्पीकर होंगे,
चेयरमैन का डिप्टी चेयरमैन, उस तरीके प्राइम मिनिस्टर का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, तो ये बारे गल करें, द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट मैनशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट नॉट मैनशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरीके की कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है जी, इट इज़ एन एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ऑल्दो 7 परसनस हैव एक्यूपाई दिस पोस्ट सिंस द इनोग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनोग्रेट होया सी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस वक्त की सी कुछ 7 परसनस नू की सी डिप्टी प्राइम जो सी प्राइम मिनिस्टर दी बॉडी रखा गया सी, कह लो। ठीक है जी, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्यूपाई पोजिशन नैक्सट टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो बाद जो सैकेंड पोजिशन होंगी है ये कि होंगी है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। पहली गल पोस्ट नॉट मैनशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद की होंगे इट इज़ अ एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इससे बाद की है जो तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हुए थे तो 7 मेंबर्स दी की से बॉडी फॉर्म हुई सी। इससे बाद की है डिप्टी कमिश्नर इज की नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन, नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर। तो जो इस बॉडी नू फॉर्म किया गया सी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त जो पहले सन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी, तो वह सन। इस दे बाद मौर्जी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन सिंह, जे बी चौहान, देवी लाल, ते एल के अडवाणी, तो ये कुछ जो ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके ने। ठीक है जी, तो बस इन्ना इन्ना बारे इन्नी जानकारी है। तो ये सी जो कि अज आपने गल की प्राइम मिनिस्टर बारे, यूनियन जो ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बारे, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बारे। इस दे बाद की है आप गल करांगे जो गवर्नर होंगे जो स्टेट दे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने बारे गल करांगे। तो ये जो है अज का अपना यही टॉपिक सी, इस दे बाद वाले टॉपिक दे विच आपां गवर्नर होंगे जो स्टेट दे स्टेट दे जिहड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने बारे गल करांगे। तो अज दे लई इन्ना ही है अपना। ठीक है जी, तो अज लई इन्ना ही, थैंक यू।